दार्शनिक स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 नूं होया सी। हर साल देश स्वामी विवेकानंद की जयंती नूं मनाउण लई 12 जनवरी नूं राष्ट्रीय युवा दिवस वजों मनाउंदा है। विवेकानंद संत रामकृष्ण परमहंस के चेले सन। पश्चिमी संसार नूं वेदांत ते योग दे बारे भारतीय दर्शन नाल जाणू करवाउण विच उन्होंने एक अहम भूमिका अदा की। उन्होंने 19वीं सदी के अंत में हिंदू धर्म को दुनिया के प्रमुख धर्मों में स्थान देने का सिहरा जाता है। उन्होंने अपने गुरु की याद में रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। आज के दिन 1948 में महात्मा गांधी ने अपना आखिरी भाषण दिया। इस तो बाद वो 13 जनवरी तो मरण व्रत से चले गए। 12 जनवरी की शाम को दिए गए अपने आखिरी भाषण में गांधी जी ने कहा कि फिरकू दंगों में तबाही देखने के बाद उन्होंने मौत को गले लगाना बेहतर लगता है। 1947 में देश की वंड तो बाद देश भर में फिरकू दंगे शुरू हो गए। हिंदू मुसलमान ते सिख एक दूसरे के खून के प्यासे सन। इन्हां दंगियां ने गांधी जी नूं झंझोड़ के रख दिता। देश में दंगियां नूं रोकण लई उन्होंने 13 जनवरी तो मरण व्रत ते जाण दा फैसला किया। 12 जनवरी नूं उन्होंने दिल्ली में अपना आखिरी भाषण दिता सी। इस तो बाद गांधी जी अगले दिन व्रत ते चले गए। अज दे ही दिन 1991 अमरीकी संसद ने इराक के विरुद्ध फौजी कार्रवाई की मंजूरी दी सी। 3 दिनों की बहस तो बाद अमरीकी संसद ने इस प्रस्ताव को 250 वोटों के नाल पास कर दिता। इस दे खिलाफ 183 वोटा पईआं। इस तो पहला संयुक्त राष्ट्र ने तत्काली इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन नूं 15 जनवरी तक कुवैत तो अपनी फौजां नूं वापस बुलाउण लई कहा सी ते इराक नूं चेतावनी दित्ती सी कि जेकर ओ अजिहा नहीं करदे तां फौजी कार्रवाई लई तैयार रहण। जदों भी भारतीय सिनेमा दे खलनायकां दी चर्चा हुंदी है तां सब तो पहला नाम अमरीश पुरी दा आउंदा है। उन्होंने पर्दे ते जो भी किरदार निभाए ओह दर्शकां दे दिलां विच इस तरह वस गए कि उन्हां नूं भुलाया नहीं जा सकता। अमरीश पुरी वालों निभाइया गई भूमिकावां ही नहीं सगो उन्हां दे डायलॉग भी इन्ने मशहूर होए कि अज भी अक्सर लोगों के मूहों सुने जाते हैं। अज दे ही दिन 2005 विच मशहूर भारतीय सिनेमा के अदाकार ते खलनायक अमरीश पुरी का देहांत होया सी। ऑस्कर तो इलावा ग्रैमी ते गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी अजिहे अवार्ड ने जिन्हां दी ट्रॉफी सब तो पहला AR रहमान भारत लैके आए। AR रहमान भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री दे सब तो सफल संगीतकारां विचों एक ने। अज दे ही दिन 2009 विच AR रहमान ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड जितया सी। इस अवार्ड नूं जितण वाले ओह पहले भारती सन। महान संत ते दार्शनिक स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 नूं होया सी। हर साल देश स्वामी विवेकानंद की जयंती नूं मनाउण लई 12 जनवरी नूं राष्ट्रीय युवा दिवस वजों मनाउंदा है। विवेकानंद संत रामकृष्ण परमहंस के चेले सन। पश्चिमी संसार नूं वेदांत ते योग दे बारे भारतीय दर्शन नाल जाणू करवाउण विच उन्होंने एक अहम भूमिका अदा की। उन्होंने 19वीं सदी के अंत में हिंदू धर्म को दुनिया के प्रमुख धर्मों में स्थान देने का सिहरा जाता है। उन्होंने अपने गुरु की याद में रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। आज के दिन 1948 में महात्मा गांधी ने अपना आखिरी भाषण दिया। इस तो बाद वो 13 जनवरी तो मरण व्रत से चले गए। 12 जनवरी की शाम को दिए गए अपने आखिरी भाषण में गांधी जी ने कहा कि फिरकू दंगों में तबाही देखने के बाद उन्होंने मौत को गले लगाना बेहतर लगता है। 1947 में देश की वंड तो बाद देश भर में फिरकू दंगे शुरू हो गए। हिंदू मुसलमान ते सिख एक दूसरे के खून के प्यासे सन। इन्हां दंगियां ने गांधी जी नूं झंझोड़ के रख दिता। देश में दंगियां नूं रोकण लई उन्होंने 13 जनवरी तो मरण व्रत ते जाण दा फैसला किया। 12 जनवरी नूं उन्होंने दिल्ली में अपना आखिरी भाषण दिता सी। इस तो बाद गांधी जी अगले दिन व्रत ते चले गए। अज दे ही दिन 1991 में अमरीकी संसद ने इराक के विरुद्ध फौजी कार्रवाई की मंजूरी दी सी। 3 दिनों की बहस तो बाद अमरीकी संसद ने इस प्रस्ताव को 250 वोटों के नाल पास कर दिता। इस दे खिलाफ 183 वोटा पईआं। इस तो पहला संयुक्त राष्ट्र ने तत्काली इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन नूं 15 जनवरी तक कुवैत तो अपनी फौजां नूं वापस बुलाउण लई कहा सी ते इराक नूं चेतावनी दित्ती सी कि जेकर ओह अजिहा नहीं करदे तां फौजी कार्रवाई लई तैयार रहण। जदों भी भारतीय सिनेमा दे खलनायकां दी चर्चा हुंदी है तां सब तो पहला नाम अमरीश पुरी दा आउंदा है। उन्होंने पर्दे ते जो भी किरदार निभाए ओह दर्शकां दे दिलां विच इस तरह वस गए कि उन्होंने भुलाया नहीं जा सकता। अमरीश पुरी वालों निभाइया गई भूमिकावां ही नहीं सगो उन्होंने डायलॉग भी इन्ने मशहूर होए कि अज भी अक्सर लोगों के मूहों सुने जाते हैं। अज दे ही दिन 2005 विच मशहूर भारतीय सिनेमा के अदाकार ते खलनायक अमरीश पुरी का देहांत होया सी। ऑस्कर तो इलावा ग्रैमी ते गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी अजिहे अवार्ड ने जिन्हां दी ट्रॉफी सब तो पहला AR रहमान भारत लैके आए। AR रहमान भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री दे सब तो सफल संगीतकारां विचों एक ने। अज दे ही दिन 2009 विच AR रहमान ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड जितया सी। इस अवार्ड नूं जितण वाले ओह पहले भारती सन।